Big Boss 14's Rakhi Sawant, Vikas Gupta, Devalina Bhattacharya and a few other celebs including Rashmi Desai, Bindu Dara Singh and Karanveer Bohra recently got together and had a small reunion of their own. The television stars were present at producer Manik Soni's birthday bash, but it seemed to be more of the Big Boss reunion with all the Big Boss participants meeting and enjoying each other's company at the party. थैंक यू सो मच माई बिग बॉस. मैं जब से बिग बॉस से बाहर निकली हूँ तबीयत मेरी ख़राब है. मैं रात को सो नहीं पा रही हूँ. नोएल्स करने के बाद भी बर्तन धो रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, पोछे लगा रही हूँ. मुझे सिर्फ कानों में एक ही आवाज़ गूंजती है, बिग बॉस चाहते हैं कि राखी बर्तन धोए, बिग बॉस चाहते हैं कि राखी बिस्तर लगाए, बिग बॉस चाहते हैं कि राखी उड़ जाए. क्योंकि जो ढाई तीन महीने का जो मेरा अंदर का जो सफ़र है, मुझे सिर्फ बिग बॉस की आवाज़ पे ही मैं हर चीज़ यू नो उड़ जाती हूँ, काम करती हूँ, घर का काम कर रही हूँ मैं. ओ माय गॉड, मेरी बहुत बुरी हालत है. ये तो मैं कंटिन्यू डेफिनेटली करूँगी, क्योंकि सलमान जी ने मुझे अपने लक दिए हैं, उन्होंने खुद अपने हाथ से पहनाया है. तो ब्रेसलेट तो मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ, इसको थोड़ा छोटा कराना पड़ेगा, वैसे हाथ से निकल जाता है. बट इट्स माई लकी ब्रेसलेट, सलमान जी के हाथ से पहना हुआ, उनका और मेरा सेम. किसी भी कंटेस्टेंट को ये कलर नहीं मिला, जो उनका कलर है वो ही मुझे मिला. आई एम सो लकी. सलमान जी लाइक इंडस्ट्री के मेरे गॉड ब्रदर है, और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया. धन्यवाद मेरा मेरी माँ का, और थैंक यू सो मच कि मुझे 14 लाख उठाने दिए. वो उसके कारण मैं अपने माँ का इलाज करा पा रही हूँ. लोगों को नहीं समझ में आया, राखी तुम तो जीतने वाली थी. वो 14 लाख, जब मॉम आपकी कैंसर पीड़ित है, हॉस्पिटल में है, तो वो कहते हैं ना, डूबने वाले को तिनके का भी सहारा होता है. मैंने कहा था पहले भी कि मेरा अकाउंट एकदम ज़ीरो बैलेंस हो गया है, क्योंकि जब मैं यहाँ से गई थी तो अपने हस्बैंड को और अपने ब्रदर को मैं उसके जो बैंक के डिटेल्स देकर गई थी कि मम्मी को कभी कुछ भी हो जाए तो एडमिट करना, तो टोटली ज़ीरो बैलेंस हो गया था, क्योंकि हॉस्पिटल में इतना पैसे लग गए थे जितने भी थे. कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन बहुत जल्द हम उससे लड़ेंगे और कैंसर को मिटा देंगे. और तभी मेरा सब कुछ वॉश आउट हो गया. पैसा आज नहीं तो कल इंसान कमा ही लेता है. माँ बाप होना बहुत ज़रूरी है, भाई बहन, हमारी फैमिली होना ज़रूरी है. पैसे कहते ना इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पैसे बहुत इम्पोर्टेंट भी है. बिग बॉस हाउस में जूली है, बाथरूम में सो रही है, उसे मैं बहुत मिस करूंगी. क्योंकि जब भी राखी को गुस्सा आता था, जूली उसके पास आती है. आज भी वो वहाँ सो रही है, और बिग बॉस की आवाज़ मैं बहुत मिस कर रही हूँ. मुझे बाहर की दुनिया से अच्छा बिग बॉस का हाउस लगता है. जब मैं अंदर रहती हूँ तो बहुत स्ट्रेस रहता है, और आप यकीन मानिए मैं थोड़ी पुट ऑन भी हो गई हूँ, क्योंकि वहाँ पे दाल चावल और पराठे मिलते हैं, ना सैलेड ना कुछ मिलता है, तो खाने के लिए तो लड़ाई है ही है. बट हाँ, जो वहाँ पे नोकझोंक होती थी, लड़ाइयाँ, टास्क सब होते थे. बिग बॉस सलमान जी हर हफ्ते आते थे, तो वो मैं सब मिस कर रही हूँ. सारे दोस्तों को मिस कर रही हूँ, सबको मैं मिस कर रही हूँ. बाहर आके सारे आधे से ज़्यादा सेलिब्रिटी गायब हो गए. मुझे समझ में नहीं आया, क्या ये लोग चढ़ गए हैं, या इन्हें ईगो आ गया है, या इन्हें घमंड आ गया है. मैं वही राखी सावंत हूँ, मैं तो सब मीडिया से मिल रही हूँ, मैं हर पार्टी में जा रही हूँ. जाना ज़रूरी है, क्योंकि मैं सेलिब्रिटी हूँ, मेरा दिखना ज़रूरी है. मैं एक बिग बॉस करके मैं घर में बैठना नहीं चाहती हूँ. मैं दिखूँगी तो मुझे काम मिलेगा, दिखेगा तो बिकेगा ना.
तो मैं दिखना चाहती हूँ तभी तो मुझे अच्छा काम मिलेगा। तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि आई शुड वर्क हार्ड। मुझे सेकंड इनिंग मिली है बिग बॉस से, 14 साल का मेरा सफ़र रहा है, बिग बॉस ने बहुत प्यार दिया है। सबसे ज़्यादा मुझे खुश वो पल लगा जब बिग बॉस ने मुझे कहा कि बिग बॉस राखी सावंत से जाना जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बाहर मुझे बहुत लोगों ने अलग अलग नाम दिया, अभिनव के लिए, रुबीना के लिए, बट मैं जानना चाहती हूँ क्यों। मेरा लव अफेक्शन अभिनव के लिए जीरो भी नहीं था, सॉरी टू से, बट मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद करती हूँ। क्योंकि आज आप कान खोल के सुन लो बात, सब मुझे कहते रुबीना ने मेरे पे पानी फेंका तो सडनली सती सावित्री हो गई, सडनली पतिव्रता हो गई, सडनली उनको पति याद आ गए। वो वक्त कहाँ था जो आप बार बार झगड़े करते थे? वो वक्त कहाँ था जो आपका शादीशुदा जिंदगी डिवोर्स पे आ गई थी? भाई साहब, वहाँ पे अभिनव के सब फोटो फाड़ रहे थे, तो मैंने बेड़ा उठाया अभिनव को कि मैं इसे इंटरेस्टिंग बनाऊँ। मैंने अभिनव को इंटरेस्टिंग बनाया, मैंने उनमें एक, क्योंकि रुबीना और अभिनव ने कहीं से भी लव एंगल नहीं आ रहा था, मैंने कहा रुबीना को, क्या मैं आपके हस्बैंड को लव एंगल बनाऊं? शी टोल्ड मी प्लीज टेक इट, प्लीज डू इट समथिंग, अगर इनको बोरिंग से इंटरेस्टिंग बना सकती हो। मैंने कहा ओके, मेरे बाएं हाथ का जादू है, तो मैंने किया ना, तो इसमें क्यों भड़कने का, क्यों भड़कने का? आप लोग देखिए, जब से मैं रुबीना और अभिनव की लाइफ में गई हूँ, जब से उन्होंने पानी डाला मेरे पे बिना वजह, मुझे नहीं पता, तब से रुबीना और अभिनव एक हुए हैं। आज वो लोग साथ हैं मेरी वजह से, ना कि किसी और की वजह से। क्योंकि मैं जब आई तो उन दोनों में पति पत्नी और वो जब आई तो दोनों में इमोशन आया और दोनों एक हुए, आज दोनों एक हैं। इसलिए तीसरी क्या था, दूसरी औरत आई तब जाके ये हस्बैंड वाइफ एक हुए। मुझे नहीं समझ, देखिए मेरे बॉडी पे पानी फेंका गया, राखी सावंत हूँ मैं, कोई मुझे हाथ भी लगा दे तो मैं चीर डालती हूँ। मुझे तो पानी फेंका गया था, लेकिन मैं खामोश रही। मैं जनता से और बिग बॉस से और सलमान जी से न्याय मांगना चाह रही थी कि मैं यहाँ पे कहाँ कसूरवार हूँ, कहाँ कसूरवार हूँ। 21वीं सदी में लोग किस कर देते हैं, क्या 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 नहीं कर देते हैं। मैंने तो सिर्फ वो एक शॉर्ट्स का, एक जो बिग बॉस ने मुझे टास्क दिया था कि आपको उनका मसाज करना है, जहाँ जहाँ अभिनव जाएगा वहाँ पे आपको रहना है। अभिनव मुझे मसाज करने नहीं दे रहा था, क्योंकि जैसे मसाज करने जा रही थी उसकी बीवी स्विमिंग पूल में कूद रही थी टेंशन में, तो बीवी को देख के कोई भी भड़केगा ना। तो मैंने नाड़ा खींच लिया, और नाड़ा खींचने में जो उसने मेरा भाड़ा कहाँ दिया, जो मैंने उसके साथ इतना लव लपाटा किया, एक्सक्यूज मी, नाड़ा ही खींचा है तुम्हारा, शॉर्ट्स गिरा तो नहीं, नहीं कितना टाइट इलास्टिक लगाया था, गिरा तो नहीं। तो ये सारे ड्रामे क्यों? मैं जनता से, पूरे देश के लोगों से मैं जवाब मांगती हूँ। मैंने उसको किस तो नहीं करी, मैंने उसके साथ बैठ के ड्रिंक तो नहीं करी, उनके बिस्तर में जाके मैं गंदी हरकतें तो नहीं करी, लक्ष्मण रेखा तो पार नहीं करी, तो इतने ड्रामे क्यों? आई वॉन्ट टू नो। सब मुझे कहते एक हद हो गई थी, कौन सी हद, नाड़ा खींचने की कौन सी हद? भाई साहब, अभिनव ने मुझे साड़ी पहनाया, ये बात अलग है कि मैं समोसे जैसी दिख रही थी साड़ी में, ही डजंट नो कैसे पहनाना था, बट पहनाया ना, तब तो मैंने आवाज नहीं उठाई दोस्तों कि मुझे क्यों छुआ, नहीं, अननेसेसरी। मुझे लगता है कि रुबीना दिलेख ने मेरा उस टाइम पे मेरी हाइप का, और सडनली उनमें एक पतिव्रता वो जागी और सडनली मेरे पे पानी डाला, फॉर वॉट? मैंने तो रुबीना को कुछ नहीं कहा था, मेरी बातें तो अभिनव के साथ हो रही थी, उसको इजाजत थी, वो मुझे 4-5 अब्यूज़ करता जो उन्होंने किया। मैंने तो एक ही शब्द किया था, बोला था टर्की, सलमान जी ने भी उनको बोला टर्की शब्द इज नॉट अब्यूज लैंग्वेज, इज अ आई टीजिंग, ऐसे वाला, एक्सक्यूज मी। यहाँ पे तो कितने कॉलेज स्टूडेंट सब लोग ऐसे 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 करते हैं, उनके वीडियो वायरल होते हैं क्या? हाँ, तो मैंने आंख तो नहीं मारी, मैंने सिर्फ ठरकी बोला। कितने लोग ठरकी है यहाँ, नहीं है क्या? तुम लोग लड़की को नहीं छेड़ते हो? फिर हाँ,
उछेड़ता है क्या? मैं बहुत अंदर से सैड थी बिग बॉस जर्नी में, मुझे कुछ कर दिखाना था क्योंकि मेरा सेकंड टर्म्स था, मुझे लाइफ में फिर से एक मुर्दा राखी को जिंदा राखी दिखाना था और मुझे कुछ करना था, लेकिन दिल में माँ की बीमारी दर्द था, एक तरफ मेरे हस्बैंड का वो एक दर्द था, इतने दर्द के बाद भी मैं जनता के पॉइंट ऑफ व्यू, सलमान जी और बिग बॉस के पॉइंट ऑफ व्यू, मैं एज ए एंटरटेनमेंट, एज ए एंटरटेनर खरी उतरी। मुझे नहीं पता था मैं अंदर क्या कर रही हूँ, आई डिडंट नो। राहुल महाजन की खुद की क्या हस्ती है बताइए ना, राहुल महाजन के साथ उनका महाजन अगर सरनेम निकाल दिया जाए तो ही इज अ जीरो। हाँ, मैं उनके महाजन सरनेम की रिस्पेक्ट करती हूँ, उनके फादर की, उनके मदर की, उनकी सिस्टर की रिस्पेक्ट करती हूँ, वरना वो खुद क्या है भाई, वो कौन होता है मुझ पर इल्जाम लगाने वाला। और आज बर्थडे बॉय आइए, ये जो मेरा बर्थडे बॉय, हम सारे सवाल करेंगे, लेकिन आज मेरे भाई सोनी भाई, इन्होंने जो मेरा सुख दुख में साथ दिया है, मेरा भाई आपके जैसा कोई नहीं है। मेरी बहन को जॉब चाहिए था, उन्होंने अपने पार्लर में दिया। मुझे जब भी तकलीफ हुई मेरे भाई खड़े हुए, मेरी मॉम को कभी भी तकलीफ हुई मेरा भाई खड़ा हुआ, वो हमेशा सुख दुख में मेरे भाई सोनी भाई ने। और उनका बेटा कहाँ गया? पंकज, ये मेरे दोनों भाई, इन्होंने तीन भाई यस, ये लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया मेरी लाइफ में। हर इंसान, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे बड़े बड़े स्टार हो, अप्स एंड डाउन्स हर किसी की जिंदगी में आते हैं, मेरी लाइफ में भी आए, मेरे भाई ये लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। थैंक यू ब्रदर, रहते हो सबके लिए ना, हमेशा खड़ी रहती हूँ सबके लिए, खड़े रहते हो, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी। ये भी मेरे लिए बहुत, हर जगह सपोर्ट करती है। आज मेरा 15 साल से रिश्ता है, अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा वो निभाती है, एक कॉल पे कहीं भी आ जाती है मेरे लिए, और मैं भी इसके लिए खड़ा हूँ। मुझे दीदी ही बोलता है, ये भी अभी एस्टैब्लिश हो गए हैं बॉलीवुड में। मैं चाहती हूँ कि आपका जो बनाया हुआ ड्रेस जो है, वो सलमान खान मेरे भाई जो गॉड ब्रदर है, वो पहने एक दिन, तो आप उनके लिए रेडी हैं बनाने के लिए? मैं खुद अपने हाथ से उनको गिफ्ट करूंगी। सोहिल भाई तो आपके पार्टनर ही हैं? नहीं, पहले थे, अभी नहीं है। हाँ, बट ये दो सूट जो है सोहिल भाई सलमान जी के लिए आप बनाइए, मैं खुद भाई को गिफ्ट करूंगी, ठीक है? थैंक यू। हाय डार्लिंग, आ जाओ यार, ये मेरा, ये देखो करण मेरा डार्लिंग, ये तो मेरे लंगोटिया यार है, लोग कहते हैं बचपन के दोस्त। इसको देखकर मुझे जिस दिन ये आई थिंक इंडस्ट्री में से कदम रखा, उस दिन से लेकर आज तक, शी हैज सेट सच अ ब्रिलियंट बेंचमार्क फॉर अस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मेरा आटा अमेरिका से आता है, जो आटा मैं खाती हूं इसलिए मैं जवान रहती हूं। अब कनाडा से आएगा? अब नहीं, कनाडा से मिल्क आता है और सारे ड्राई फ्रूट्स आते हैं हालूलुलु से। इंडिया से क्या आता है? इंडिया से सिर्फ प्यार आता है। बात जोरदार टीजे कैसी है? तुम्हारे तो ट्विन्स है, अभी एक और हुई है तीसरी। यहाँ देखो, आई एम, मतलब जब भी एक, हमेशा एक बेंचमार्क था, पहले भी जब राखी, आप जब बिग बॉस में आए थे, जब भी राखी बिग बॉस में आई थी पहली बार भी, it was a benchmark, and right now she broke that benchmark and made a new benchmark. Thank you. I think everybody from Salman bhai to everybody had, matlab, you know, salute to Rakhi, the way she performed, the way she really. Tum kya kam ho kya? Are bhai, aap tum direct kar rahe ho, mujhe lo jaldi Rakhi ke samne, really I think everybody is, you know, she's number one. थैंक यू माई ब्रो, थैंक यू। मानिक जी, हाँ, किसी को तो छोड़ दो, इधर आ जाओ।
हैंडसम गाय को देख के आप लोग तो शादी की उम्र के लिए आपकी परफेक्ट एज हो गई है। 16 साल का हो गया है, 18 साल का, हाँ शादी की एज के लिए परफेक्ट हो गया। मुझे पता नहीं आपके बेटे के बारे में, बट आई थिंक आपकी शादी वापस होगी। लुक एट यू, बहुत अच्छा ड्रेस पहना है मेरे भाई ने। ऑलवेज मेरे जब भी मेरा बर्थडे आता है, करणवीर वोरा इज अगेन अ वेरी स्पेशल इन माई लाइफ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, इवन इज अ राजस्थानी, मैं भी राजस्थानी, जब भी बॉम्बे में रहता हूँ मेरे लिए राजस्थान का खाना घर से बना के लेके आते हैं। सबसे बड़ा कॉमन पॉइंट ये है कि ये मारवाड़ी और मैं भी मारवाड़ी हूँ। एंड तुम दोनों के कंजूस नहीं है, तुम दोनों से कुछ नहीं निकलेगा, कंजूस इनसे इनसे कुछ नहीं निकलता है। मेरे घर से खाना जरूर आएगा। मैं आती हूँ, डीजे को मिलूंगी, है ना? थैंक यू डार्लिंग। आई वांट टू कम एंड सी यू कल, है ना? हॉस्पिटल में कल आ जाओ ना, क्रिटिकल केयर में। हां फोटोज कम, है ना? नो नो, आई डोंट वांट टू कम एंड जेन्युइन कल के टाइम आता 12 बजे कल की मो चल रहा है। हां 12 1 बजे आ जाओ। नहीं 1:30 बजे। हां देखो इतने फोन किए बता रहे हैं वैसे भी के अब आओ कैसे। हां 1:30 बजे ओके डन। ये खत्म करने दो ना, फिर करते हैं ना भाई, पास कर लो प्लीज। हां हां कर लूं, थोड़ा मैं कर लूं। हां आप कर लो, हम लोग। हां हां एनी मोर क्वेश्चंस? हां हां इनका तो बिग बॉस में रितेश वॉज शॉक्ड जब मैंने टूट कर उनके बारे में बताया था, वॉज लिटिल हर्ट। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में कुछ बताना नहीं चाहिए था राखी, बट वो जो ऑनेस्ट है वो है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा, आई थिंक मेरे ख्याल से मीडिया में भी कुछ इंटरव्यूज दिए हैं। एंड बहुत जल्द, हाँ देखे तो थे ना, और क्या नहीं, और बहुत जल्दी हम आपको सरप्राइज देंगे। वाई यू वरिड? सरप्राइज देंगे। थैंक यू। मम्मी को कल फिर से एडमिट किया जा रहा है, कल क्या सिटी केयर हॉस्पिटल में कल कीमोथेरेपी कल से होगी, कल सेकंड लास्ट है, फिर लास्ट होगी। और मैं नहीं बताऊं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कल आप लोग को पता चल जाएगा। बोलना अच्छा नहीं होता, सब लोग तबीयत देखने के लिए आ रहे हैं, इवन करण, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। हाँ रुबीना को मैंने बार बार बुलाया बट रुबीना का कोई मैसेज नहीं आ रहा है। और मैंने एक न्यूज़ में देखा कि रुबीना ने कहा कि हर तरीके से मैसेज राखी को हेल्प करेंगे, ये वो। मुझे हेल्प नहीं चाहिए बेबी रुबीना, मुझे हेल्प नहीं चाहिए। मेरी माँ होश में आने के बाद बार बार आपका ही नाम ले रही है, अली कहाँ है, रूबी कहाँ है, मैं उन्हें पसंद करती हूँ। हो सके तुम्हारे बिजी शेड्यूल से एक बार आके मॉम को एक बार वीडियो कॉल या कैसे भी देख लो, मम्मी का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको एक बार देखना चाहती है, शी लव्स यू। हाँ क्योंकि मॉम को कल वो कीमो हो रहा है ना, इसीलिए। और आज मैं सोनी भाई के बर्थडे के लिए आई हूँ यहाँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और कोई सवाल? मुझे बहुत सैड लगा आयशा के बारे में, जब मैं बिग बॉस में थी आयशा ने एक वीडियो बनाया, मैंने देखा, और फिर नदी में कूद के जान दे दी। वेरी सैड, सारे कानून आ रहे हैं। प्लीज़ वुमेंस डे आ रहा है, वुमेंस डे पर मैं यही कहना चाहूँगी, देश के लोगों बंद करो ये दहेज की प्रथा, अब बंद करो, बेटी को अब चैन से जीने दो और बेटी को प्रताड़ित मत करो। वो आपके घर में बहू बन के नहीं, बेटी बन के उसको स्वीकार करो। देश के लोगों, आपके बेटे को आप पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, शादी करके लाते हैं, तो एक बहू की तरह से न लाए, बेटी की तरह से लाए। और जैसे आप अपनी बेटी को पालन पोषण करते हो, वैसे ही आप बहू को भी बेटी माने। और दोबारा ऐसी कोई आत्महत्याएं ना हो, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़, थैंक यू। मैडम यहाँ पे, यहाँ पे रश्मि जी सामने, एकदम सामने आर अड्डा। अरे यार एक मिनट तो लेने दो विजुअल्स। अरे सर आपके लिए बस है। चलो चलो क्या कहना चाहिए आप? रश्मि जी फोटो करते
मानिक सर एक साथ में आ जाइए ना, सर सेंटर में देखिएगा रश्मि मैम। थैंक यू मैम। सर वन मैम, सर एक सोलो मैम, सोलो रश्मि मैम, सोलो सोलो रश्मि, रश्मि इन द सेंटर, रश्मि मैम सेंटर, रश्मि सामने जो क्या बोलना चाहूँगा, राखी तो एवरीडे सेलिब्रेशन चल रहा है इसका, जब से आई है इतना प्यार मिल रहा है हर जगह के, खुशी से पागल हो गई है कि मैं, मुझे बड़ा मैं शुक्र मना रहा हूँ कि इसने कोई पंगे नहीं लिए बिग बॉस में, और मैं बहुत प्राउड हूँ कि राखी जिसका भाई ऐसा हो, जिसका भाई सलमान खान हो, सोहिल खान हो, उसे डरने की क्या जरूरत, जिनके दोस्त ऐसे हो, इन्होंने मुझे कैप्टन बनाया, वरना मैं कभी कैप्टन नहीं बनती, और मैं बिग बॉस 14 के आखिरी कैप्टन हूँ। आखिरी कैप्टन, अगर आप लोग नहीं मनाते तो मेरा डेफिनेटली आई, यू वुड सो वैल्यू, रियली प्लेड वेरी वेल एंड यू केप्ट एंटरटेनिंग एवरीवन। तुम्हारा एक आई लव यू मुझे हिम्मत दे गया, एंड हैप्पी वुमेन्स डे, तुमने कहा राखी आई लव यू करके, और मुझे अंदर बहुत हिम्मत मिली। वुमेन्स डे मेरी शादी का दिन है, 8 तारीख को है, अभी दूर है, मैं उसी दिन शादी की थी। Oh, wow. और तुमने तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त भेजी डेबोलिना, ओहो, उसने मुझे इतना सपोर्ट किया, और तुमने भी उसे थोड़ा बहुत संभाला, I'm really glad, I'm really happy. वही तो, अभी she'll be arriving any moment, you've been asking me, but she's on her way. सुनी भाई आ जाओ ना, एंड मानिक जी का आज बर्थडे है, विश यू मेनी मेनी हैप्पी बर्थडे, 18 इयर्स ओल्ड हो गए हैं, 18 साल के हुए हैं, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी वेरी positive, and every thank time you know he is giving strength and helping other people, and unka jo beta hai pankaj he is a designer, he is so good, so good, beno I'm launching in the video, oh nice bracelet, big boss Raki ji sir, asli big boss winner Raki ji, Raki ji samne, mera naam hai Raki bhai, mera Raki ji samne, ha bhai Raki bhai, Raki bhai राखी जी वाह कहाँ गए आप, राखी जी थोड़ा राउंड करो ना, राउंड राखी जी थोड़ा राउंड, थोड़ा सा घूमिए ना, थैंक यू थैंक यू राखी जी, अभी तो किया डी ये मेरे लिए बीच में सोनी भाई को बुलाना चाहिए, सोनी भाई को बुलाइए, पीछे आओ कैमरा पीछे आओ, सामने सोनी भाई, मेरा भाई राज, अरे यार लोग अभी भी रेस कर रहे हैं यार, भाई पीछे तो आओ, मेरा फ्लैश लॉक कर रहे हैं यार, तुम्हें आ रही चुप ही, अरे अरे क्या बात है, क्या बात है भाई, फ्लैश लॉक हो रहा है, मेकअप में जब कोई करा तो किस कैसे करना चाहिए, भूल जाता हूं सर, सर रुक जाइए, विकास सर थोड़ा सा सामने सर, ये आगे पीछे आना, पूरा यार पीछे पड़ा ना, आगे मुंह पे कैमरा लेके जा रहे हो यार, जियो आ जाओ भाई, भाई भाई सर लाइट दे दो ना भाई, हां ये आ गए ना, आ जाओ बर्थडे बॉय के साथ, हां ये बात है, दो तो मेरे भाई, दो मेरे दो अनमोल, और सामने देखिएगा सर, सामने देखिए, सामने देखो सर, सामने देखिए सर, थोड़ा पीछे चलो, अनेक सर सामने देखिए सर, चलो आगे चलो, थैंक यू, सब अंदर सब अंदर, फिर विकास भाई, लास्ट बॉय, विकास भाई, थैंक यू,
ओ मानिक सर, मानिक सर आइए ना, आइए ना, एक फोटो मानिक सर, एक विकास भाई साथ में, साथ में सर, मानिक सर सामने देखिएगा अन्ना भाई, थैंक यू सर, थैंक यू विकास जी, चलिए एक बाइट कर लेते हैं। मैं पहली बार तो बोलूँगा हैप्पी बर्थडे, आई होप दैट 2020 सभी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहा है, सो 2021 का जो ये बर्थडे का स्टार्ट हो रहा है और सभी के लिए आई होप दैट इट्स अ गुड गुड ईयर फॉर एवरीवन एंड शुड बी हैप्पी ईयर। मेरे पास तो लक है सलमान जी का, इसलिए मेरे तो लक खुल जाएंगे, आई विल वर्क, और तुम्हारे पास बहुत अच्छा दिल भी है और मेरे पास अच्छा भाई भी है, यू विल डू माय मेकओवर टोटली डन। हेलो इधर देखो बाबा, ये 18 साल का लड़का, वो छोड़ो यार, बुला रहे आपको, इधर बुला रहे। हाँ जी, जैसे मैंने बताया राखी ऑलवेज प्लान सम सरप्राइजेस फॉर मी, मेरी बहन जो है, और इसके लिए मैं सरप्राइज प्लान करता हूँ। मेरा भाई को बुलाया आपको स्पेशली, ये दिल से मतलब मेरे बर्थडे पे हर एक को इनवाइट करती है, मेरे से ज़्यादा सबको बुला के केयर करती है। Absolutely. और उसके बर्थडे आई डू दैट, और अगर कोई नहीं आता आज तो मतलब उसकी वाट लग जाती है। मैं बता रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ। हाँ वो तो है, थैंक यू, थैंक यू भाई, मैं इंटरव्यू कर लूँ एक। अरुण तू भी आ, मैम सामने, राखी जी सामने तो देखो, हो गए हो गए, चलो आइए आ जाओ आ जाओ। अरे सबसे पहले तो उन्हें डेफिनेटली उनके जन्मदिन में मुबारकबाद देना चाहूँगी, बधाइयाँ देना चाहूँगी, एंड ऑफ कोर्स आई एम हियर बिकॉज ऑफ डेफिनेटली राखी, क्योंकि बहुत ऐसे यू नो रीजंस थे कि मैं बीच में उनसे नहीं मिल पा रही थी, आई वाज नॉट वेल, देन सम कुछ काम था, आज इसलिए ठान लिया था दुनिया इधर की उधर हो जाए पर आज मुझे राखी से मिलना ही है, सो यस आई एम हियर एंड आई एम सो हैप्पी। ये मेरा स्ट्रेंथ थी, आई लव हर, ये मेरा स्ट्रेंथ थी, मेरे लिए लड़ती थी ये और विकास भाई, दोनों मेरे लिए लड़ते थे, कभी कभी मुझे नहीं सोचता था कि मुझे मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ रॉन्ग हूँ, क्योंकि एक बंद कमरे में कुछ समझ में नहीं आता था, तो शी वॉज देयर, शी वॉज फाइटिंग फॉर मी, मुझे हिम्मत देती थी, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू बेबी देबो, आई लव यू टू, बहुत मेरे लिए लड़ी हो तुम और विकास भाई। ऑफ कोर्स जैसे कि आप सबने भी देखा ही है, मैं इनको बार बार कहती थी कि ये अकेली भी वहाँ पे काफ़ी थी, बट होता है हम जब एक बंद घर पे रहते हैं बहुत दिमाग काम नहीं करता, नहीं करता है, करेक्ट। होपफुली यस, मुझे ऐसा लग रहा है तभी भी बिग बॉस से निकल के हम लोग बंद हो गए थे लॉकडाउन के, एंड अगेन अभी जब बार बार न्यूज़ में पढ़ रही हूँ ना कि लॉकडाउन हो सकता है, लोग हो सकता है जो और घर में नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते, एग्जैक्टली नहीं बैठ सकते, मतलब मेरी बिल्डिंग की ये हालत है कि कभी भी बिल्डिंग से सील हो सकते, मैंने कहा तुम बताओ सील हो, मैं तो बैग लेके भागी यहाँ से, वही तो कहीं भाग जाते हैं, लॉकडाउन में बैठ सकती अभी, और लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं होगा, एक तो बिग बॉस के हाउस में थे और घर में बंद हो जाएंगे, नहीं हो सकता, मर जाएंगे, आई स्वेयर। कल मॉम से मिलने देबो आने वाली है हॉस्पिटल, या थैंक यू। इट्स लाइक बिग बॉस अब तक ख़त्म हुआ ही नहीं है, हम सबको ऐसे ही लग रहा है कि बिग बॉस अभी भी चालू है, बिकॉज बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे लॉन्चेस, दिस दैट, इट फील्स गुड, एंड टुडे इट्स मानिक दादाज बर्थडे, सो आई एम वेरी वेरी ग्लैड टू बी हियर, एंड ऑल्सो राखी ने मुझे पर्सनली बुलाया फ़ोन करके, बोला अगर तू नहीं आया तो देख लेना एंड ऑल दैट, सो
had to be here and glad to be here. Yeah. Don't do that. I've come after 14 hours of shoot. Usli, 14 ghante shoot karke aaya hu main. Meri gale ki band baji hai. Acha, which song would you want to hear? तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें एक बार है दीवानी झूठा ही सही प्यार तो कर सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में हम दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इस घर में जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन मैं प्यासा हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में मानिक जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं दिल के बहुत अच्छे हैं मैं चाहता हूँ मानिक जी 1 करोड़ साल जिए और कोरोना मानिक जी से बहुत दूर रहे देखिए मेरे फेवरेट हैं राखी सावंत आई जस्ट लव राखी उन्होंने जैसा खेला और यू नो जो वो निकल के बाहर आई हैं तो राखी जी आई थिंक शी इज़ अनबीटेबल नोबडी कैन बीट राखी सावंत देखिए वो घर ही ऐसा है वहाँ टकरार तो होती ही रहती है और कराता है वो घर आपसे सब कुछ कराता है आप खुद कुछ नहीं करते सो अच्छा था एंड आई थिंक रुबीना डिजर्विंग विनर है नाइस आई लाइक दिट यस 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 ये एक अनाउंसमेंट हो गई है कि सीज़न 15 में कॉमनर्स आ रहे हैं तो हम लोगों का जीना थोड़ा टफ हो गया है मेरे सारे इंस्टाग्राम के DMs लोगों के मैसेजेस से भरे हुए हैं कि हम कैसे बिग बॉस में जाएं तो मैं सोच रहा हूँ एक ना पैरेलल अपना शो खोल लूँ हाउ टू एंटर बिग बॉस तो आई थिंक लोगों में काफ़ी यू नो एक उम्मीद आ जाती है कि यार कॉमनर्स आ रहे हैं तो शायद हम भी आएँ तो लोग हम लोगों की तरफ लुक अप ऑन करते हैं कि यार ये भी वही थे वुमेंस डे का डेफिनेशन मेरे लिए मेरी माँ है और जैसे मैं अपनी माँ की रिस्पेक्ट करता हूँ वैसे मैं हर वुमेन की रिस्पेक्ट करता हूँ और कोशिश करूँगा आगे भी करता रहूँ एंड बस एंड आई विश ऑल द लेडीज ऑल द बेस्ट एंड आई लव यू ऑल